नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही कितनी संवेदनशील रही हो या दावे करती हो, लेकिन कुछ इलाकों में लगातार शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और छात्रावासों का हाल बेहाल है। शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह राशि जिम्मेदारों के लिए कमाई का जरिया बनी हुई है। कुछ ऐसा ही मामला शहडोल जिले के शासकीय अनुसूचित जाति कन्यावास छात्रावास का सामने आया है, जहां दो छात्राओं ने छात्रावास के उन तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है और कई आरोप भी लगाए हैं, जिसका दावा किया जाता था। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा मामला संज्ञान में तब आया जब बीते दिनों बीमार होने पर दो छात्राएं इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंची। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि उन्हें सुबह से पेट दर्द था, वो दिन भर इलाज के अभाव में रही और देर शाम उन्हें हॉस्टल अधीक्षिका का बेटा बाइक पर हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया। छात्राओं ने बताया कि उनके हॉस्टल में अधीक्षिका की तानाशाही का रवैया देखने को मिलता है। अधीक्षिका के परिवार से जुड़े सभी लोग हॉस्टल में काम करते हैं। छात्राओं ने कहा कि छोटे से बर्तन में 50 छात्राओं के लिए खाना बनता है, वो भी गुणवत्ता विहीन, पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता है। अधीक्षिका छात्राओं से हॉस्टल में साफ सफाई से लेकर बर्तन साफ कराने तक का काम कराती है। मना करने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर किसी छात्रा को अपने परिजनों से बात करनी है तो एक कॉल का 10 रुपए वसूला जाता है। खास बात यह है कि हॉस्टल से जब छात्राएं चिकित्सालय पहुंची तो उनके साथ कोई जिम्मेदार नहीं था, ना ही किसी की जिम्मेदार अधिकारियों को किसी तरीके की बात और जानकारी बताई गई। छात्राओं का क्या कुछ कहना है, आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। सर, दाल भी अच्छे से नहीं बनता है वहाँ, क्योंकि हाँ दाल बनता है लेकिन पता नहीं कौन सा दाल बनता है, कल कौन सा दाल बनता, मतलब दाल कम बनाएंगे लेकिन उसमें ऊपर से पानी डाल देंगे, बच्चों मतलब खा भी नहीं पाते दाल, और इतना कम बनाएंगे दोबारा ले जाएंगे तो हर चीज़ घट घट जाता है, और घर में भी बात नहीं करते, बात नहीं कराते, मतलब कराते हैं लेकिन जब दे दो कि बोलो, और रिचार्ज के लिए पैसा दिए जाते हैं, दीदी रखते हैं खाना बनाते हैं। घर के जो गार्जियन है वो पैसा दे जाते हैं रिचार्ज के लिए, बात कराने के लिए? नहीं, हमसे लिए जाते हैं, अभी मेरे से 10 रुपए लिए हैं रिचार्ज के लिए, मेरे से बात नहीं करा रहे थे। मैं कल गई मेरे रूम के, एक लड़की रो रही थी, आए बोली मम्मी से बात करें, मैं कही मैं दीदी को बोली खाना है, दीदी मैं बोली आपका हर टाइम बाहर रहता है, लड़की रो रही है, बात कराई नहीं, मैं अगली बार से रिचार्ज नहीं कराऊंगी। अच्छा, सुमन सिंह के परिवार में कौन कौन है वहाँ जो हॉस्टल में काम करते हैं? सुमन सिंह मैम है, उनकी बहू है, उनकी बहू वहाँ लिखा है चौकीदार, उनकी बहू की हाँ वो रहती हैं, मतलब इस साल रह रही है, मतलब रोज नहीं रहती, कभी कभी रहती हैं और नहीं आई। तो खाना वही बनाती हैं? नहीं बनाती, किसी काम कर रही है, मतलब कुछ नहीं कहती, मतलब रजिस्टर वगैरह करती हैं और फिर मतलब लड़कियों से काम कराया जाता है, चौकीदार है मनीषा सिंह और उनके मतलब उनके पति जो जलवाहर हैं भैया आते हैं, और उनकी बहन है मनीषा सिंह भाभी की, वो खाना बनाते हैं लेकिन भरपेट भोजन नहीं देते, मतलब देते हैं लेकिन हाँ भाई मैम को ये नहीं पता कि भाई मतलब भरपेट मिलता है, यही सोचते हैं मैम, लेकिन वहाँ होटल की लड़कियों को पता है। और काम वगैरह क्या सब लड़कियों से करवाती हैं? जहाँ डाइनिंग हॉल में हम लोग खाना खाते हैं सबकी पारी रहती है, और फिर रूमों में बालकनी बरामदा पूरे इधर चारों तरफ मैंने झाड़ू पोछा सब आप बच्चियों से करवाती हैं जी। मतलब एक ही फैमिली से पूरे कर्मचारी, उन्हीं के फैमिली के हैं? हाँ मैम, वार्डन हाँ, उनकी उनके बेटा भी और उनकी बहू भी, हाँ? उनकी बहू की बहन खाना बना। अच्छा, और बेटा क्या करता है? वो जलवाहक है। मैंने एक ही परिवार के सब लोग हैं
बेटा भी बहू भी और खाना बनाने रसोईया भी कमी करते हैं, खाना में कमी करते हैं। खाना तो अब मैम तो ठीक है बोलेंगी, अदब भाभी अपने बजट में निकाल लेती हैं। अब दीदी को हम बोलते हैं खाना बनाने वाले के, तो शायद उनको भी दबाया जाता होगा बाद में हम लोग के स्कूल जाने के बाद। अपने बहू को मतलब अपने बहू की बहन को जो खाना बनाते हैं। अच्छा, अब हम लोग उससे लड़ते हैं तो नहीं पढ़ाती हैं। जाओ उनसे बात करो, उनसे अब बोलते भी हैं भाभी को, लेकिन बोलते हैं तो शायद एक लोग बोलेंगे तो बोलेंगे तुम्हारा पेट भर जाता, और तुम्हारा पेट नहीं भरता है, जो लोगों तो भर जाते सब लोग कही। मैंने खाना में कटौती कर दी है, मुझे झाड़ू सब कर झाड़ू आपसे करवाती हैं। रूम का बस चलता है सर, पूरे बैलकनी में, डाइनिंग हॉल में, अपने ऑफिस में कराती, इतने बड़ा ऑफिस है। भैया एक दो दिन पहले अनुसूचित जाति हॉस्टल से दो बच्चियों के पेट में दर्द होने से उनके अस्पताल में एडमिट करने का मामला सामने आया था। बच्चियों ने बयान देते हुए बहुत सारी विसंगतियाँ जो हैं हॉस्टल में ऐसी चल रही हैं जहाँ उनके साथ बहुत सी समस्याएं हैं, उसको हमसे बताया है। इस मामले पर क्या कहना? अभी आपने मुझे दिखाया वीडियो, मामला मेरे तत्काल मेरे संज्ञान में आया, मैंने अधीक्षक से पूछा भी, कंफर्म किया कि हाँ उन्होंने बताया कि वास्तव में दो लड़कियां लास्ट में एडमिट थी, तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसके लिए मैंने उनको कहा और अपने सेक्शन से इनको एक एक्सचेंज जारी कर रहा हूँ मैं, और बीओ को भी मैंने तत्काल फ़ोन करके कहा है कि आप एक दो दिन, आज मैंने तो आज के लिए कहा है, तो ही विल इंक्वायर द थिंग्स, जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं उस पर इंक्वायरी होगी, एक बार उनको सुनने का मौका। मैंने सभी न्यायिक सिद्धांत के आदमी जाके वहाँ जाँच करे और उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर निश्चित कार्रवाई करूँगा। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो सरकार दूरस्थ इलाकों से कमजोर आदिवासी वर्ग की बेटियों के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान कराए जाने को लेकर जहां लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जिला मुख्यालय में जब से ऐसे हालात हैं तो अन्य स्थानों के साथ छात्रावासों के हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर खासा ध्यान देने की जरूरत है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।